और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी फेसबुक लाइव पर है, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री इंदौर नहीं गया, एक बार स्वास्थ्य मंत्री नहीं गया, एक बार गृह मंत्री नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ एसी में बैठकर टीवी पे संवाद करके विज्ञापन के माध्यम से प्रदेश को संदेश देते। मैं मानता हूं कि 4000 से ऊपर लोग आज संक्रमित है और लगभग 200 से ऊपर लोग, 225 लोग, 215 लोग मौत के काल में चले गए, 46 दिन के लॉकडाउन। तो इसका मतलब है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं फेल हो चुकी। तो लॉकडाउन के तीसरे चरण में समाज में ये बीमारी फैल गई, तो बिना लक्षण से लोगों में संक्रमित होने लगे। ये भयावह स्थिति मध्य प्रदेश मौत की कगार पे, और मेरा आरोप है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ये सरकार ने इस बीमारी को आटो मूट पे लाके छोड़ दिया है। जो होगा हो जाएगा, हम सिर्फ दिखावा करेंगे। कोई ऐसा प्रयास जो जमीनी स्तर पर इनका 46 दिन में पास हुआ हो तो ये मुख्यमंत्री प्रदेश को बताएं। मैं मानता हूं कि ये इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है और हम चाहते हैं कि आज भी आगे स्थिति सुधरे। मैं निवेदन करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आप, जरूरी नहीं कि सब व्यक्ति में सारे तरह के गुण, जरूरी है कि जिन गुणों में, जिस व्यक्ति में जिस तरह का गुण है, जैसे कितना है, उनसे सलाह मशवरा। हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि कमलनाथ जैसे दूरदृष्टि नेता, एक समन्वयवादी नेता, एक पॉजिटिव सोच के नेता इस परिस्थिति में मध्य प्रदेश में है। आप उनके पास जाके आग्रह करके, उनसे बात करके, समन्वय के साथ आगे कोई नया विचार, नई नीति, नया प्रोसेस चालू करें। कल अशोक गहलोत ने वहां की विपक्ष की नेता जो सिंधिया परिवार की महारानी पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनसे संवाद किया। ऐसे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल लोगों ने अलग अलग लोगों से सार्वजनिक रूप से संवाद किया। इनको किस बात का डर है? सत्ता आप पिछले दरवाजे से बैठे हैं, क्योंकि आप बैठ गए हैं इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक दुराभाव जब समय आएगा तब लड़ेंगे, चुनाव कब होंगे, कौन जीतेगा, यह सब चलता रहेगा। पर प्रयास कोविड से लड़ने का और मजदूर की जान बचाने का इस समय प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है हर मजदूर के खाते में 7,500 रुपया जल्दी से जल्दी ये सरकार डाले, क्योंकि केवल मैं पैसे अब इनके खाते में डालेंगे, इनके खाते में रोज मुख्यमंत्री कहते हैं। मेरा दावा भी है और चुनौती भी है, करोड़ों में तो संख्या बताते हैं कि इनके खाते में डलेंगे, पर किसके खाते में डले आज तक कोई प्रमाण न टेलीविजन पे, न जर्नलिज्म में, न किसी के सामने नहीं आया। एक तरह का ये भी घोटाला है, इसकी भी समय आएगा जब बात करेंगे। पर 7,500 रुपया पर मजदूर, जिसमें हमारा नाई आता है, जिसमें बढ़ाई आता है, जिसमें कढ़ाई आता है, जिसमें सुतार आता है, जिसमें हमारा जो परिवार का साथी है, जो मजदूरी करते हुए किसी रूप में अपने घर का जीवन यापन करता है, उनके खाते में डलना चाहिए। जैसा कमलनाथ जी ने कहा था कि 10,000 रुपया किसानों के खाते में और खेतीहर मजदूरों के खाते में इमीडिएटली ये सरकार डाले, जिससे एक राहत उस गरीब वर्ग को जो इस महामारी के चपेट में, उसको मिले। मैं मानता हूं ये आपकी आवश्यकता है और इस सरकार ने इसको पूर्णता की ओर ले जाने की। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्यम वर्ग की परिवार इसमें सबसे ज्यादा ग्रसित हुए, अब उनके पास भी राशन समाप्त तो हो गया है। सिर्फ गरीबी रेखा में काम करने वाले, आने वाले लोगों को राशन मिले, या राशन कार्ड धारियों को मिले, या राशन कार्ड नहीं है और गरीब है उनको मिले, इससे ऊपर बढ़ मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग जो नौकरी करते हैं 15,000-20,000, उनकी भी हालात ठीक नहीं, उनके लिए भी इस सरकार ने कोई कार्य योजना बनानी चाहिए। 1,37,000 संबल के जो कार्डधारी हैं, जिनके पंजीयन हो चुके हैं, जो सरकार ने मूर्त रूप दिया, उनको 7,500 रुपया ये सरकार डाले। साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट जो आवश्यकता है, पीपीपी किट हो या सैंपल के लिए किट हो या सुरक्षा के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवश्यक चीज है, उसके लिए इमीडिएटली पालन करें। मैं हम ये भी मानते हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं, फिर भाषण देने जैसी। तो इस देश के प्रधानमंत्री से शिवराज सिंह जी की हिम्मत नहीं है कि उनसे आंख से आंख मिला के कोई सवाल कर ले, या कोई बात कर ले, या कोई डिमांड कर, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं ये
जैसे तैसे मैं पद पे बैठूं, उस तरह के भाव के मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री। तो मेरा उनसे आग्रह है, कांग्रेस पार्टी की मांग करते कम से कम 50,000 करोड़ की मांग इमीडिएटली देश की सरकार से करो कि हमारे मध्य प्रदेश के हितों का और हकों का हमें दो, हम इस लड़ाई से लड़ सके। अन्यथा 225 लोग मौत के गाल में उतर गए, उसका दोषी कौन है? यह सवाल इस प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से पूछना चाहती। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके माध्यम से हमारी बात सुनेगी और इस ओर काम करेगी। हम सरकार के साथ थे, हैं और रहेंगे। हर परिस्थिति में सरकार जो निर्णय लेती है, कांग्रेस पार्टी इस महामारी में उनके साथ खड़ी है। हम चाहते हैं राजनीतिक भावना अभी बाहर रहे, तो हमारा कोई सरोकार नहीं, पर हम इस महामारी में लड़े, इसके लिए हम सरकार के साथ। धन्यवाद। अब एक एक करके आप सबके प्रश्नों के मैं उत्तर दूंगा। मैं मेरे पास पूरा जो है, एक मिनट गुप्ता जी, एक एक का नाम लेके आप लोगों से आग्रह करेंगे। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम सब मिलकर अच्छी व्यवस्थित मैं पूरे जवाब दे पाऊँ, इसके लिए मेरा सहयोग करें। आदरणीय भूपेन गुप्ता जी। जी, हरीश दिवेकर जी, जी न्यूज से। हरीश जी, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। हरीश जी, हरीश जी प्रश्न करिए। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हरीश, आवाज आ रही है? जीतू भाई, हाँ बिल्कुल आ रही है। मेरा यह सवाल है कि जिस तरह आपने मांग की है कि सरकार से कि 7,500 खातों में डाले मजदूरों के और 10,000 किसानों खातों में डाले, क्या आप सरकार में, आपको लगता है सरकार की स्थिति है, आर्थिक स्थिति, या पैसा डाल पाएगी, या फिर ये सरकार पे दबाव बनाने के लिए केवल एक राजनीति है आपकी, या वाकई चिंता किसानों की इनकी? अरे जी, एक लोकतंत्र की व्यवस्था होती है और विपक्ष का हमेशा भाव होता है कि वो बातें, वो सवाल, परिस्थितियां जो आज आम जनता को सहयोग करे, एक सरकार को उस तरीके के पॉजिटिव सजेशन। हमारा पूरा फोकस पॉजिटिव सजेशन पे, आरोप प्रत्यारोप के लिए। मैंने कहा अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री पर मध्य प्रदेश का भी हक है। 28 सांसद हमने उनको चुन के दिए हैं। हमारी मध्य प्रदेश इस महामारी के दौर में अगर मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा देश की सरकार नहीं करेगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, तो फिर कौन करे? और जहां तक प्रश्न इस बात का, तीन तीन बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हुई शिवराज सिंह चौहान की, देश के प्रधानमंत्री तो सर्वविदित है, एक बार भी उन्होंने डिमांड नहीं की। और ये था, हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, हमारे पास संसाधन उपलब्ध है। इसका मतलब है कि या तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, अन्यथा देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं। अगर नहीं की तो इसके लिए मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह के दोषी, अभी उनको अब भी डिमांड करनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि प्रदेश के हितों के लिए आवश्यक है, मेरी प्रार्थना है उनसे वो करें। प्रवीण दुबे जी, न्यूज 18, अनम्यूट कर लें अपने आप को, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। अनम्यूट कर लिया सर, आ रही आवाज मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। क्योंकि ये कोरोना संकट काल है और सोशल दूरी का पालन सबको करना है, इस वजह से ना ही पत्रकार एक जगह जुट सकते हैं, ना ही मंत्री लोग उनके तमाम सवालों के जवाब दे सकते हैं। सबसे बेहतर माध्यम अब जो सबके सामने है वो है फेसबुक लाइव, जिसके जरिए तमाम पत्रकारों के साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के जो विधायक है, राउ से विधायक है जीतू पटवारी, वो फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने संबोधित किया और तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। बुलेटिन इतना ही।